हनुमान जी शक्ति के देवता और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, जिनकी गाथाएं हमें प्रेरणा देती रही हैं। आज हम आपको हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। हनुमान जी, जिन्हें अजर, अजन्मे और अमर भी कहा जाता है, वे न केवल महाबली हैं बल्कि सभी देवताओं की शक्तियों के स्वामी भी माने जाते हैं। प्रख्यात राम कथावाचक पंडित जगत मोहन पांडे के अनुसार हनुमान जी हर युग में अपने भक्तों को दर्शन देते आए हैं और यही कारण है कि वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहली पंक्ति लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज अर्ज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। देखिए इसमें प्रधानता किनकी दी गई है, कह रहे कि मैं रघुवर के यश को लिखूंगा जो कि चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसलिए मुझे आप दीजिए। तो हनुमान जी पूछते हैं आपको क्या चाहिए, का बल बुद्धि विद्या देह मोहे हरहु कलेश विकार, मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए। ठीक है दिया, अब रघुवर के यश को लिखिए। आप सुने होंगे या सबसे पहली पंक्ति है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जबकि रघुवर के यश को नहीं, सबसे पहले तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसमें भक्त की प्रधानता बताई गई है कि मैं भगवान से पहले भक्त के राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। यहाँ तक कि हनुमान जी ने कहा कि आप सबसे पहले मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, कहे हनुमान जी आप ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, ज्ञानियों में आगे गिने जाने वाले हैं और आपके बगैर तो हनुमान ये राम जी एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन उपाय सारे। और आप ये घटना जानेंगे, जब हनुमान जी लंका जला करके लौटे थे तो भगवान राम ने कहा आपने मेरा मेरी आज्ञा के बगैर लंका क्यों जला दी, कहा सरकार मैंने लंका नहीं जलाई, हाँ लंका मैंने नहीं जलाई, लंका जलाने में 5 लोगों का हाथ था और सबसे पहले 5 वो था क्या, वो रावण का पाप। घर का मालिक यदि पापी हो तो घर भर का नाश कराता है, घर का गार्जियन यदि अच्छा नहीं हो तो पूरे घर का सर्वनाश हो जाता है। सबसे पहले रावण के पाप के कारण उसकी लंका जली। दूसरा श्री राम जी है प्रभु आपके प्रताप, हमने कुछ नहीं किया। देखिए इसमें हनुमान जी की अहंकता नहीं है, हनुमान चालीसा में दर्शाया गया मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ प्रभु श्री राम है। दूसरा राम जी का प्रताप, तीसरा माँ का संताप, स्त्री की हाय लगती है, यदि आप स्त्री को रुलाएंगे उन्हें कष्ट देंगे तो आपको हाय लगेगी। तीसरा सीता माँ का संताप और चौथा विभीषण जी का जाप, लंका में रह करके जो राम जी के भजन कीर्तन में लीन रहते थे। और चौथा ये पांचवा कौन था हनुमान जी, हनुमान जी कहते पांचवा मेरा बाप। ठीक है, चला पवन 49 ऐसा है सुंदर कांड में, जब तक हवा नहीं चले एक घर से दूसरे घर में आग जल नहीं सकती है। वैसे हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है संकट को हरने वाला है। हनुमान जी के नाम के पहले क्या है, संकट मोचन। और किन्हीं देवताओं में ये विशेषण नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, एक हनुमान जी और दूसरा गणेश जी। गणेश जी और हनुमान जी में क्यों, क्योंकि हनुमान जी है शंकर सुवन केसरी नंदन और गणेश जी कौन है, वो भी शंकर सुवन है। हालांकि बड़े बड़े संत लोग अलग अलग अपना भाव देते हैं परंतु शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान जी और ये गणेश जी में भी ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई समय सीमा नहीं, जब हो, और वैसे भी कानों में जब आते हैं वो मंत्र तो अपने आप आपका हृदय या रोएं प्रफुल्लित हो जाएंगे जी।